put in here. फिल्म की शुरुआत डॉन नाम की एक यंग लड़की से होती है, जो प्रेजेंट टाइम में अपनी माँ किम, उसके सौतेले पिता बिल और उसके सौतेले भाई ब्रैड के साथ होती है। स्कूल के बाद डॉन अक्सर लोकल क्रिश्चियन ग्रुप को फॉलो करती है। एक मीटिंग के दौरान डॉन एब्स्टिनेंस ग्रुप में एक अन्य मेंबर टॉबी से मिलती है। वो खुद को तुरंत उसके प्रति आकर्षित महसूस करती है। हालांकि अपने विश्वासों की वजह से डॉन और टॉबी एक दूसरे का पीछा नहीं करने का फैसला करते हैं, लेकिन आखिरकार डॉन और टॉबी अपना विचार बदलते हैं और एक साथ अधिक समय बिताने का फैसला करते हैं और वो एक लोकल स्विमिंग होल में मिलते हैं। तैरने के बाद डॉन और टॉबी एक गुफा के अंदर आराम करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं, लेकिन डॉन अपना मन बदल लेती है और टॉबी को इससे आगे बढ़ने के लिए मना करती है। पर डॉन की इस प्रतिक्रिया से नाखुश टॉबी उसके साथ वास्तव में एग्रेसिव होने लगता है और हाथापाई के दौरान टॉबी डॉन को बेहोश कर देता है और उसके साथ उसका रेप करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बीच डॉन को होश आ जाता है और जिसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि टॉबी का लिंक कट गया है। ये देख भयभीत टॉबी दौड़ता है और चट्टान से गिर जाता है। इस बीच डॉन उस गुफा से बाहर निकलने के लिए दौड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। अपने क्रिश्चियन ग्रुप से मिलने के बाद एक ऑक्टर पार्टी में उसका फेलो क्लासमेट रयान डॉन के पास आता है, तो वो रयान से उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। उस दिन गुफा में टॉबी के साथ क्या हुआ इसके बारे में अभी भी उलझन में पड़ी डॉन वहाँ फिर से वापस जाती है। वहाँ जाने पर उसे टॉबी के लिंक पर एक केकड़ा रेंगता हुआ दिखता है, पर टॉबी का अभी भी कुछ पता नहीं था। इस पॉइंट पर डॉन को पता चलता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो वेजाइना डेंटाटा शब्द पर शोध करती है और स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का फैसला करती है। पर परामर्श के दौरान डॉक्टर गॉडफ्रे डॉन की योनि में अपना पूरा हाथ डालकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और इसी घबराहट में डॉन की योनि ने डॉक्टर गॉडफ्रे की उंगलियां काट ली और एक बार फिर डॉन डॉक्टर के कार्यालय से बाहर निकलकर भाग जाती है। अपने घर के रास्ते में डॉन को कुछ पुलिस की कारें दिखाई देती हैं और इसलिए वो ये देखने के लिए स्विमिंग पूल में वापस जाने का फैसला करती है कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पर। पुलिस को वहाँ पर टॉबी की लाश मिलती है और इस बीच डॉन की बीमार माँ बेहोश हो जाती है। इसके बावजूद जबकि ब्रैड और उसकी प्रेमिका सेक्स कर रहे होते हैं, मतलब क्या बताऊँ, भाई है या कामदेव का बाप है, माँ बेहोश पड़ी है पर उसे सेक्स के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। डॉन अब अपने घर आती है तो वो अपनी माँ किम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉन कंसोलेशन की तलाश में रयान के घर जाती है, हालांकि वो डॉन को बहकाता है और उसका मास्टरबेशन करना शुरू कर देता है और इसीलिए सबसे पहले डॉन ने सेक्सुअल प्रोग्रेस को एक्सेप्ट किया क्योंकि उसे डर था कि योनि के दांत उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसके साथ सेक्स करने के बाद डॉन को ये बात पता चलती है कि सब कुछ ठीक है और वो ये भी जान जाती है कि जब वो सहमति से यौन संबंध बनाती है तो दांत एक्टिव नहीं रहते हैं। अगली सुबह रयान और डॉन फिर से सेक्स करते हैं, लेकिन रयान को उसी बीच एक कॉल आता है। वो फोन उठाकर डॉन के सामने शर्त को जीतने की बात करता है कि कैसे उसने डॉन के साथ रात बिताकर उसने शर्त को जीत लिया, क्योंकि अब डॉन को पता चलता है कि ये रयान की एक चाल थी उसका इस्तेमाल करने की, तो वो क्रोधित हो जाती है। जिसके तुरंत बाद योनि डेंटाटा अपना काम कर देती है और रयान के लिंक को काट देती है। इधर बिल ब्रैड की हरकतों से नाराज आकर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पिता पर हाथ उठा देता है और अपने ही पिता पर हमला करने के लिए वो अपने कुत्ते को छोड़ देता है। कुत्ते के काटने की वजह से बिल को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहीं डॉन की माँ किम की डेथ हो जाती है उनकी बीमारी की वजह से। हॉस्पिटल में डॉन को मेलानी ब्रैड की प्रेमिका से उसे पता चलता है कि ब्रैड ने अपनी माँ को रोता हुआ देखा था, पर फिर भी उसने उन्हें अनदेखा कर दिया था। ये बात सुनकर डॉन क्रोधित होकर ब्रैड से बदला लेने के लिए घर पर वापस जाती है। सबसे पहले वो अपना मेकअप करती है और फिर ब्रैड के रूम में जाकर उसे सीड्यूस करती है और फिर अपने काम पर लग जाती है। डॉन के साथ सेक्स करने से पहले ब्रैड को अपने बचपन की गई गलती
की चोट याद आती है, पर वो उसे अनदेखा करके अपना काम शुरू करता है। पर तभी डॉन की यूनी डेन टाटा अपना काम कर देती है और तब ब्रैड को पता चलता है कि डॉन ने उसे अपने मुंह से नहीं काटा था। अपने बदले को पूरा करने के बाद डॉन ब्रैड के लिंग को नीचे गिरा देती है, जिसे ब्रैड का डॉग उसके कट चुके लिंग को खा जाता है। अपने सौतेले भाई के कमरे से निकलने के बाद डॉन अपनी बाइक को लेती है और घर से दूर जाने लगती है, पर रास्ते में उसकी बाइक का टायर फट जाता है और उसे एक बूढ़ा आदमी उठाता है। डॉन एक पल के लिए तो सो जाती है और जब वो उठती है तो वो बूढ़ा आदमी अपनी कार के दरवाजों को लॉक कर लेता है और वो अपने होठों को चाटता है और उसे जाने देने के बदले में वो उसका फायदा उठाने की सोचता है। पर डॉन पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो मुस्कुराती है, जिसका मतलब है कि जो वो नहीं चाहती है वो अब उसे करना पड़ेगा। फिल्म का शुरुआती सीन असल में अंत की शुरुआत था। अगर इस सीन को करीब से देखा जाए तो ये वास्तव में काफी परेशान करने वाला था। ठीक जब फिल्म शुरू होती है ये बात क्लियर नहीं थी कि ब्रैड की उंगली से खून क्यों निकल रहा था। हालांकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये बात क्लियर हो जाती है कि डॉन का सौतेला भाई डॉन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसने उसे अपनी योनी के दांतों से काट लिया था। डॉन के प्रति ब्रैड के मन में हमेशा ये अजीब जुनून था, क्योंकि वो बच्चे थे, इसलिए जब उनके पिता और किम उसकी माँ एक साथ मिले तो उन्होंने डॉन को अपनी सौतेली बहन बनाने के लिए उनसे नाराजगी जताई थी। मुख्य रूप से माता पिता ने डॉन का पीछा करने की ब्रैड की कोशिशों को खत्म कर दिया था। यही वजह थी कि ब्रैड ने अपनी माँ की आवाज को खारिज कर दिया था और अपने कुत्ते को अपने ही पिता पर हमला करने के लिए छोड़ दिया था। वास्तव में उनसे वो नफरत करता था। ब्रैड की उंगली काटते हुए डॉन ने निश्चित रूप से उसे योनि संभोग के बारे में बताया, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसे टालता है। डॉन के साथ अपने पहले और आखिरी मुलाकात के दौरान भी ब्रैड ने डॉन के साथ अपने तरीकों से यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे अपने तरीके से करने के लिए मनाने में सक्षम नहीं था। अब आप इसमें देख सकते हैं कि डॉन अपनी माँ की उम्मीदों को अपनी माँ को अनदेखा करने के लिए वो ब्रैड पर भड़क गई थी, लेकिन वो सब नहीं था। वो हमेशा जानती थी कि उसका सौतेला भाई बहुत खतरनाक हो सकता है, सामान्य तौर पर एक राक्षस की तरह, और इसीलिए वो इतनी जल्दी टूट गई थी। जब ब्रैड ने खून बहने वाली उंगली की घटना को याद किया, डॉन ने सीधे तौर पर ब्रैड को क्यों नहीं मार डाला, वो उसे बहकाने और उसके लिंग को काट देने से ही। अब आप कल्पना कीजिए कि डॉन ब्रैड के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? हालांकि डॉन जानती थी कि ब्रैड हमेशा उस पर ये अजीब सा क्रश रखता था। वो जानती थी कि वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और उसके पास उसे खत्म करने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा ब्रैड को पीड़ित और धीरे धीरे खून बहते हुए देखना डॉन के लिए एक ही झटके के साथ अपने जीवन को खत्म करने की तुलना में अधिक सेटिस्फाइड था। ब्रैड से अपना बदला लेने के बाद डॉन को वास्तव में किसी और की परवाह नहीं थी। वैसे लिंग को कुत्ते ने खा लिया, दूसरे शब्दों में ब्रैड भले ही जिंदा रहे लेकिन इसे फिर से जोड़ने का कोई मौका नहीं था। अंत में डॉन अब हर डरपोक से डरने वाली छोटी लड़की नहीं रही जो उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सी अनफॉर्चुनेटली घटनाओं के बाद डॉन एक मजबूत लड़की के रूप में उभरती है। फिल्म में हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जहां एक खौफनाक बूढ़े से दूर भागने के बजाय डॉन मुस्कुराती है, क्योंकि डॉन इन ढोंगियों को ना कहने की अपनी आदत से वाकिफ है। उसे हमेशा ना कहने का अधिकार था, लेकिन उसकी योनि का दांत अपराधी को ये बता देगा कि इसका कोई मतलब नहीं है।